صدق الله العظيم. जब आप विमल की बात करेंगे, जब आप आयुर्वेदा की बात करेंगे, तो वो विमल की बार पे उठ के उसके मिलीग्राम दूध बनाएंगे कि ये 5 मिलीग्राम इसके अंदर साफ़ जाएगी रिफाइंड, तो फिर ऐसा ये काम कर रहा है। वहां से निकल के आप आ जाएं नेचुरल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कि जी विमल के साथ और क्या होना चाहिए। देखेंगे जी, अच्छा विमल के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो एस्पिरिन पाया जाता है। अब इसके साथ हम कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड करें जो कि एंटी रूमेटिक किरदार अदा कर रहे हैं। तो एंटी रूमेटिक में और आपके पास एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन भी है, सेलरिया एफिसिनालिस, फिजिपेंडुला रुमेरिया, स्पाइरिया रुमेरिया, ये सारे एंटी रोमैटिक्स हैं। जब ये कंबाइन कर लेते हैं, इसकी डिसिप्लिन भी बना लेते हैं, तो ये फिर नेचुरल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आ जाता है। अब होम्योपैथी में आ जाए, अब उसके अंदर भी कंबाइन डोज भी है और उसके अंदर सिंगल डोज भी है। अब विलोसेलिसिन की डोज के अंदर उसकी रेशियो फार्माकोपिया डिसाइड करता है कि कितना विलो होगा, किसमें मैसिरेट होगा, कितने दिन मैसिरेट होगा, मैसिरेट में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो खुल जाएंगे, फिर उसकी एक्सट्रैक्शन कैसे होगी, और फिर उसकी डोज जो है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग या एक बीमार के ऊपर अगर देनी है तो वो कितनी बनेगी। ये हम R&D में बच्चे आपके फाइनल ईयर के जब इंटरेस्ट लेना शुरू करें या अपने फाइनल थीसिस के अंदर जब बच्चे आते हैं बनाए, हम हेल्प करेंगे, हम एडवाइस भी करेंगे। हमारे वहाँ पर MPhil भी हैं, PhD केमिस्ट्री भी हैं, वो एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे। और आपके पास तो इतनी बड़ी फैकल्टी बैठी हुई है माशाल्लाह, ये आपके पीछे समझ लें कि आपकी ब्लेसिंग है कि आपको इतनी अच्छी फैकल्टी मिली है। आप इनसे लर्निंग लेके R&D के लिए हमारे अपने लैब हमारी देखे ही है, ये लैब इंग्लैंड की लैब नहीं है, ये पाकिस्तान की लैब है, ये यही है। ये कल आप ऐसा देखेंगे भी वहाँ पर प्रैक्टिकली आपको दिखाने का अरेंज आपकी फैकल्टी ने किया है, या आपको प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटीज पर भी लेके जाएंगे कि R&D कैसे होती है, कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है, उसके अंदर से जब टेस्ट किए जाते हैं तो वो कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। और ऑलमोस्ट इस वक्त BM के अंदर 600 जेनरिक्स इस्तेमाल होता है, 600 जेनरिक में तो छोटी चीज नहीं होती। जेनरिक किसी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे एलोपैथिक कंपनी में रीढ़ की हड्डी जो है वह इनके जेनरिक्स हैं, उनके साल्ट हैं। तो जो नेचुरल इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो उनके जेनरिक जो होते हैं वो हर्ब्स होती हैं, जिनको लेके फिर आगे चला जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ा मैटर करती हैं, और नेचुरोपैथी की लाइंस के अंदर भी जब डिफरेंट नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कंबाइन करके उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की डोज को डिसाइड करके कि एक बॉडी को उसके बॉडी वेट के हिसाब से पर मिलीग्राम ये कितना चाहिए, दूसरी कितनी मैं डिसाइड करूँ, तीसरी कितनी, चौथी कितनी, तो एक कंबाइंड डोज बनने के बाद ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज को, ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज को, सिंपल आर्थराइटिस के मरीज को अगर मैं दूँ तो उसकी दर्दें भी ठीक होंगी, लेकिन एक फायदा होगा, व्हाट इज दैट, कि वो अगर पेशेंट गैस्ट्राइटिस का मरीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मरीज है, गैस्ट्रिक अल्सर का मरीज है, ड्यूडिनल अल्सर का मरीज है, पेप्टिक अल्सर का मरीज है,
तो उसके लिए ये जो नेचुरल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राइव किए गए हैं ये उसको रिएक्ट नहीं करेंगे जिस तरह एलोपैथिक मेडिसिन रिएक्ट करती है। और उससे पहले मरीज को मेप्रोजोल इसोमेप्रोजोल इसलिए दी जाती है कि वह बेदे में जाने के बाद उन एरिया को शूट कर देती है ताकि जब मेडिसिन गुजारे वहां से तो वो रिएक्शन किए बगैर मेडिसिन आगे पास होकर बॉडी में एब्जॉर्ब हो। एम आई राइट? यही प्रोसीजर है। तो नेचुरल के अंदर ये प्रोसीजर 90% चीजों में बाईपास हो जाता है क्योंकि उनके उस तरह के रिएक्शन सामने नहीं आते। लेकिन लेकिन कुछ नेचुरल हर्ब्स ऐसी भी हैं जो आंखें बंद करके नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल एनापैडियम है। आज से कुछ 40 years बैक हमारी इंडस्ट्री में एनापैडियम आई तो मुझे एनापैडियम का अंदाज़ा नहीं था कि ये लव हर्ब नहीं है। तो मैंने ऐसे ही हाथ में ऐसे पकड़ के देखा कि एनापैडियम है। तो उसके बाद मैंने वो हाथ झाड़ के तो मैं अपने ऑफिस में चला गया। मैं वहां गया तो मेरे हाथ सूट गए। वहां से एक मैंने लेसन सीखा कि नेवर टच एनी प्लांट विदाउट यूजिंग द प्रिकॉशन यूजिंग द बेबल्स। पूरा एक MSDS प्रोटोकॉल्स बने होते हैं। जब बच्चे आएंगे R&D के ऊपर तो हम उन्हें बताएंगे कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं इसके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं और उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का डॉक्यूमेंट हर हर्ब के ऊपर पेस्ट हुआ होता है कि इसको आपने खोलना कैसे है, निकालना कैसे है, पैक कैसे करना है और आगे यूज कैसे करना है। तो ये चीज़ें हमें स्टूडेंट के नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से दुनिया में इंटरनेशनल लॉज जब रेगुलेटर्स ने रेगुलेट किए तो उन्होंने पाबंद किया अल्टरनेटिव इंडस्ट्री को कि आप अपने वेयर हाउसेज में एक फार्मासिस्ट तैनात करें। क्यों? तो फार्मासिस्ट को कम से कम ये तो पता है ना कि भाई ये मैं इन चीज़ों को प्रोटोकॉल से लेकर चलूंगा, अगर मैं बिना वजह लेकर चलूंगा तो कोई मेरी आंखें पड़ जाएगी और कोई मेरे हाथों पर रिएक्शन कर देगी या कोई ना कोई साइड इफेक्ट पैदा कर देगी मेरे ऊपर। तो इसलिए उन चीज़ों को बड़ा ध्यान से लेकर चलना होता है। नेचुरोपैथी के बाद फिर अगला जो डिसिप्लिन है दैट इज कायरोप्रैक्टिक। ये मोस्टली स्पाइन के अंदर जो किसी जमाने में हम उनको कहते थे ना जी पहलवान को जाओ थे हड्डी जुड़वा लो थे मसाज कराने, समझ लो ये मॉडर्न दौर के जितने भी कायरोप्रैक्टिक दोस्त हैं ये उस दौर के पहलवान हैं। लेकिन आजकल इनकी मॉडर्न स्टडीज मॉडर्न कोर्सेज और खसूसी तौर पर लंबा स्पाइन के जो ट्रीटमेंट है उनमें ये लोग काफ़ी मास्टर होते हैं और उसमें ख़ास तौर पर थाईलैंड चाइना जापान इन मुल्कों में इनका बहुत ज़्यादा रवाज है। और आजकल यूरोप में भी जगह जगह पर कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक खुले हुए हैं, सिंगापुर में खुले हुए हैं। मैं खुद मुझे इत्तेफाक हुआ वहाँ पर देखने का, मैं बल्कि गया भी उनके पास मिलकर भी आया, मैंने उनसे पूछा भी कि जी आप किस तरह से, बट दे आर रियली प्रोफेशनल्स, वो टुके नहीं प्रोफेशनल हैं और उस तरीके से उसका काम करते हैं। नेक्स्ट अगला जी आयुर्वेदा। मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदा जो है ना ये बेसिकली एंशियंट इंडियन सिस्टम है मेडिसिन का, जो कि आपको खुराक और आपके डिफरेंट किस्म के जो हर्ब्स हैं उसके जरिए से ट्रीटमेंट देते हैं। और इसी आयुर्वेदा के अंदर ना ये जो योगा नहीं होता जो ब्रीदिंग टेक्निक होती है, फिर योगा की टेक्निक भी आयुर्वेदा का ही पार्ट है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रीदिंग टेक्निक इज अ साइंटिफिक टेक्निक कि जिसके अंदर आप उस ब्रीदिंग के जरिए से अपने बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। देयर आर नॉट मेनी थिंग्स, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फीमेल्स दैट इज वजाइनल प्रोलैप्स, उसकी ब्रीदिंग टेक्निक का ट्रीटमेंट बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। एंड दिस प्रॉब्लम इज यूजुअली हैपेंस आफ्टर 50 आफ्टर 45 इन द फीमेल्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जिनकी पाइल्स प्रोलैप्स उसके अंदर भी ब्रीदिंग टेक्निक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर फीलिंग ऑफ द बेनिंग डाउन सेंसेशंस ऑलवेज, इसकी भी ब्रीदिंग टेक्निक का ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। उसके बाद पेन इन द चेस्ट एंड हैवीनेस इन द चेस्ट, ब्रीदिंग टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक टू कम आउट ऑफ इट। तो ये चीज़ें सारी स्टडी करने से रिसर्च करने से ही लोगों ने डॉक्यूमेंट की हैं। तो आयुर्वेदा में इसका बड़ा किरदार है इंक्लूडिंग आयुर्वेदिक हर्ब्स। बल्कि आप हैरान होंगे कि इंडिया ने फार्माकोपिया ऑफ आयुर्वेदिक 5 जिल्दों पर तरतीब दिया हुआ है।
जब आप आएंगे वहाँ नियम में विजिट पे तो आपको फार्माकोपियास दिखाएंगे। वहाँ हमारी जनरेशन बैक 1800 सदी का फार्माकोपिया आपको दिखाएंगे ब्रिटिश दौर का ओरिजिनल, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के दौर का है। कि उस वक्त देखेंगे कोई मेडिसिन वहाँ पे जो थी वो सारी की सारी डिकॉक्शन बेस्ड थी। सब आप पढ़ेंगे उसको आपको पता चलेगा कि हर चीज़ डिकॉक्शन पे बन रही है, डिकॉक्शन पे बन रही है। आप इसे जो फैकल्टी के अंदर तो आई डोंट थिंक सो, तो मेरे से ज्यादा कोई जवान हो गया मैं क्योंकि दो दफ़ा 32 साल का हूँ तो मैं सारे मेरे से नीचे ही होंगे। तो इसलिए हमारा जो बचपन था उसमें किसी भी डॉक्टर के पास जाते थे तो वो कहता होता था पहले गिलास लेके आई मैं दवाई पा के देनी, तो वहाँ डिकॉक्शन बना के गिलास में डाल देते थे कि ये जो बिल्कुल घुट पीड़े ने घर जाके अपनी नानी दादियों से पूछिएगा वो बताएंगे हाँ बिल्कुल ठीक बताया, ऐसे ही होता था। ठीक है, उस ज़माने में वो गोलियों छोले का चक्कर भी होता था। ठीक है, गोलियों छोले तो बड़ी बाद में आई है, बहुत बाद में आई है। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंस में आ रहा है और हमारे मुल्क में जो हमारा ड्रग एक्ट है जो हमारी ड्रग को रेगुलेट करता है वो किस सन में आ रहा है, तो इतनी इनमें रहे नादर को नजार ही दुनिया बुलाते रहे कोई पूछने वाला नहीं है। एनीवे आगे चलते हैं जी, ये आ गया TCM, दिस इज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ये पूरी दुनिया में इसमें छाए हुए हैं, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं लोग चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा रुझान है। और इसमें इसकी डाइटरी कंट्रोल भी है, इसके मसाज भी हैं, इसकी एक्सरसाइजेज भी हैं, इसकी हर्बल थेरापी भी है, ये चार किस्म का ट्रीटमेंट है। बल्कि आप में से अगर किसी को चाइना जाने का तकलीफ हुआ होगा कि मैं तो 20 टाइम जा चुका हूँ और मुझे बड़ी ये देख के तो अच्छा भी लगा और हैरत भी महसूस हुई कि उनके हर हॉस्पिटल में चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट मौजूद है। वन इज़ द मॉडर्न मेडिसिन, वन इज़ द चाइनीज मेडिसिन। तो वहाँ मैंने देखा है कि मोर देन 70% लोग जो है वो चाइनीज मेडिसिन पे जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए और उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट स्कीम किया उसके ऊपर। तो इसलिए हमें अपने मुल्क के अंदर जो हमारे पास हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए हमें अपने अल्टरनेटिव इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए अपनी भी तालीम याफ्ता जनरेशन है उससे इसकी R&D के ऊपर लगाना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम रिसर्च करके मैक्सिमम नए प्रोडक्ट सामने लेके आ सके जो कि बीमार अफराद की मसीहाई में अहम किरदार अदा कर सके। नेक्स्ट अरोमाथेरेपी है, ये भी एक छोटा सा पैर है जो कि मेडिकली हेल्थ इंप्रूव करता है, एक किस्म का माइंड एंड स्पिरिट। ये ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स को स्मेल करने से आपने देखा है ना, एक मिसाल इसकी मैं ऐसे देता हूँ आपको, आपने स्मेल बोर्ड का नाम सुना हुआ है, सुना हुआ है ना, बड़ी कॉमन चीज़ है। जो स्वर्ण बॉन्ड बनाते हुए उसको स्मेल करते थे वो नशा होता था उसके अंदर, और उस नशे के बाद वो लोग घर जाते थे तो स्वर्ण बॉन्ड बाजार से खरीद के उस नशे को स्मेल करते थे। उसके बाद फिर उसके ऊपर रिसर्च की गई कि इसके अंदर से कौन सा इंग्रेडिएंट रिमूव किया जाए कि ये तो पुराना खासा एक नशे की बीमारी लग देगी लोगों को। इसी तरह से उसका ट्रीटमेंट भी होता है, बहुत सारे तकरीबन को 70 के करीब तो मैं पढ़ चुका हूँ जो ऑयल फ्रेग्रेंसेस होती हैं हेडेक, मिग्रेन, मसल पेन्स, बॉडी पेन्स, ओए चेंजेस ऑफ द नीज, स्मॉल जॉइंट आर्थराइटिस, उसके लिए वो जो ऑयल्स होते हैं उनकी थेरापी भी और उनकी फ्रेग्रेंस थेरापी भी दोनों से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये भी एक सिंफ है कि जिसके ऊपर से लोग दुनिया में फ़ायदा उठाते हैं और बड़ी महंगी थेरापी है, ये काफ़ी कॉस्टली ऑयल ये बिकते हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सल थेरापी, जो ही आप पाकिस्तान से थाईलैंड में लैंड करते हैं तो जनाब एयरपोर्ट के ऊपर से काम शुरू हो जाता है। ये रिफ्लेक्सल थेरापी हर जगह के ऊपर जगह जगह पर मशीन रख कर बैठे हुए हैं कि प्लीज़ कम ऑन प्लीज़ कम ऑन, वो आपको मशीन पर खड़ा करते हैं और आपको ऐसा सुकून आता है जब आप पाँव रखते हैं क्योंकि उन्होंने मशीन के ऊपर ऐसे जो बड्स होते हैं ना बड बनाए होते हैं जो आपके पाँव के नीचे मेरिडियंस हैं ना जो डिफरेंट जगहों पर जिसम में जा रहे होते हैं वो डायरेक्टली उसके ऊपर जाके हिट करता है। और जब वो मशीन को ऑन करते हैं तो वो मशीन हल्का हल्का जब वाइब्रेट करती है तो आपकी बॉडी 15-20 मिनट में इतनी हल्की हो जाती है आप लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हैं। कब कभी मौका मिले जरूर कराइएगा, मैंने बहुत दफ़ा कराया, रियली इट्स वेरी नाइस। ये हाथ से भी होता है,
ठीक है। और इसके बाद आज से कोई 20-25 साल पहले जर्मनी ने एक मशीन ईजाद की थी, उसका नाम था ट्रीटमेंट थ्रू अकुपेंचर मेरिडियंस। तो उन्होंने इलेक्ट्रोड्स निकाले थे, इन इलेक्ट्रोड्स के पीछे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज सेट की थी कि जी इतनी फ्रीक्वेंसी पे रखेंगी तो ये गॉल ब्लैडर को टच करेगा और उसका मेरिडियन यहाँ पर है गॉल ब्लैडर का, हार्ट को करना है तो उसका मेरिडियन इधर है, लिवर को करना है तो मेरिडियन इधर है। उन्होंने पूरी बुक साथ दी थी और मैंने उसको कुछ थोड़ी देर किया कोशिश, लेकिन क्योंकि मेरी कोई उसके ऊपर स्पेशलिटी नहीं थी, बट उसमें कामयाबी थी। मैंने उस मेरिडियंस के जरिए किडनी स्टोन ब्रेक किया था आज से वो 20-25 साल पहले, ये मुझे अपने तजर्बे में याद है। लेकिन क्योंकि आई वॉज वेरी बिजी प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं एक मरीज के साथ एक डेढ़ घंटा उसी को लेके बैठता है, फिर बाकी 50 मरीज तो मेरे शीशे तोड़ के भाग जाते हैं सारे कि ये किस काम पे लगा हुआ है। तो इसलिए ये भी एक अच्छी थेरापी है और इट्स रियली गुड थेरापी। अच्छा जरा WHO पोजिशन चलते हैं ऑन ट्रेडिशनल मेडिसन। तो WHO रिकॉग्नाइजेज the diversity of traditional complementary and integrative medicines jisko TNCM bolte hain practices across countries of the world and its contribution to health well-being people centered health care and universal health coverage WHO recognizes that traditional complementary and integrative medicine has many benefits ab ye just 6 lines ke paragraph ke andar main iska ek nichod aapko ek line mein ye deta hu कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड कर लिया कि अल्टरनेटिव मेडिसिन के डिसिप्लिन्स को इंक्लूड किए बगैर हम दुनिया में हेल्थ पे काबू ही नहीं पा सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ये डिसाइड हो गया। अभी आप सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ले लें, इंडिया ले लें, बांग्लादेश ले लें, श्रीलंका ले लें, नेपाल, भूटान, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मलेशिया, सिंगापुर, डिसनडेल ले लें, तो वहाँ पे इस वक्त दो इंडस्ट्रियों का बहुत बड़ा जो है ना होल्ड है, बहुत बड़ा होल्ड है। एक इंडस्ट्री न्यूट्रास्यूटिकल और एक होम्योपैथी, ग्रिप है बहुत बड़ी। अभी आप देखिए पाकिस्तान में तकरीबन 1300 के करीब न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री रजिस्टर हुई है, 1300। एलोपैथिक इंडस्ट्री तकरीबन कोई इवन नजदीक नजदीक ही है 1300-1400 के, और 1300 ये है। और होम्योपैथिक इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में रजिस्टर हुई है वो 41 है, क्योंकि सिर्फ डिसिप्लिन इंडस्ट्री को रजिस्टर करते हैं, बाकी कोई रजिस्टर आज क्योंकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेट कर रही है लिहाजा वो रजिस्टर नहीं करते। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि WHO की पोजिशन इस अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर इस मॉडर्न एरा में ये है कि WHO बाकायदा तौर पर इस अल्टरनेटिव सिस्टम को कैटर कर रही है, और अगर कैटर कर रही है तो फंड भी कर रही है, फंड कर रही है तो उस फंड से हमारे NIH को पैसे मिलते हैं, और NIH पर हम जैसे लोगों को बुला के डिफरेंट जगहों में वर्कशॉप डिफरेंट चीज़ों पे काम करवाता है कि जनाब अली हमने स्पीकर्स बुलाने हैं, तो हमने जनाब अली पर प्रोग्राम करने हैं लोगों को अवेयर करने के लिए जनरल पब्लिक को कि आप सिर्फ हस्पतालों के पीछे ना भागें, ये अल्टरनेटिव सिस्टम को भी अडॉप्ट करें। तो मैं आपके फैकल्टी को भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से गुजारिश करूंगा कि इसके बारे में WHO से जो फंडिंग होती है वो यूनिवर्सिटीज़ भी अरेंज कर सकती है अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि हम अपने स्टूडेंट्स को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए और ज़्यादा वेल अवेयर करने के लिए रिगार्डिंग द अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम इसकी कंजेक्टिवली वर्कशॉप अरेंज करना चाहते हैं, तो ड्यू टू द शॉर्ट ऑफ फंड नहीं कर पाते तो वो फंड आपकी यूनिवर्सिटी को भी मिल सकता है, इट्स पॉसिबल। ठीक है, इसमें USAID के प्रोग्राम है बकायदा, वो भी वे बैनर फंड देते हैं, तो इसके ऊपर भी काम कीजिए, देखिए कहीं को मेरी हेल्प हुई तो मैं भी जो कर सकूँगा आई विल डू दैट। WHO की एक ग्लोबल रिपोर्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये बंद हो गया सॉरी, ये आप देखिए कितनी अहम चीज़ है, बड़े गौर से इसको देखिएगा, बड़े गौर से, सिर्फ हमें फिगरों पर गौर करना है। WHO कहता है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन और ट्रेडिशनल कंप्लीमेंट्री मेडिसिन का 2019 तक का ये डाटा कैलकुलेटेड है, 19 अभी 20, 21, 22, 23, 24 का डाटा 25 में पब्लिश होगा, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट आगे हुई है कि 25 में उसको वो पब्लिश करेंगे। तो 19 में वो कहता है कि बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन 88% मेंबर स्टेट्स हैव एक्नॉलेज्ड कि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है
वो कॉरेस्पॉन्ड टू 170 मेंबर स्टेट्स, 170 मेंबर स्टेट्स के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, जो मैंने जितनी अल्टरनेट मेडिसिन का जिक्र किया ना, वो दुनिया के 170 ममालिक में इस्तेमाल होती है, विच मीन्स कि अल्टरनेटिव मेडिसिन हैज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन हीलिंग इन द जनरल पब्लिक. उसके बाद है कि दीज आर द कंट्रीज दैट हैव फॉर एग्जाम्पल formally developed policies, laws, regulations, programs, and offices for TCM, and the actual number of countries using TCM is likely to be even higher. अब यही पे हम रुक जाते हैं. चार लफ्जों पे गौर कीजिए. एक है policies, एक है laws, एक है regulations, एक है programs. अब अल्टरनेटिव सिस्टम के अंदर पॉलिसीज भी बन रही हैं, रेगुलेशंस भी बन रही हैं, प्रोग्राम्स भी बन रहे हैं, और WHO ने तमाम गवर्नमेंट्स के ड्रग इदारों को ये पाबंद किया है कि अल्टरनेटिव सेक्टर को डॉक्यूमेंट करें, इनको रेगुलेट करें, इनके प्रोग्राम्स मुनक्कद करें, इनके लिए पॉलिसीज बनाएं. तो मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी तरफ से भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो फॉर्म डी के अंदर एक सिलेबस चला आ रहा है, हम उसी को लेके जिस तरह हमारा कुछ 40 साल तक FSC का एक ही सिलेबस चलता रहा और वही रट कर जाएंगे लोग MBBS में दाखिला ले लेते थे और खत्म हो गई बात, तो इसी तरह फॉर्म डी के सिलेबस में जिद्दत चाहिए. उसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन का बकायदा तौर पर चैप्टर नहीं, एक सब्जेक्ट के तौर के, एक डिसिप्लिन के तौर पे उसको एंटर होना चाहिए, ताकि आप में से जो लोग अल्टरनेटिव इंडस्ट्री में जाना चाहे उनके पास बैक नॉलेज में व्हाट इज अल्टरनेटिव इंडस्ट्री और इसके डिसिप्लिन में न्यूट्रास्यूटिकल के क्या डिसिप्लिन है, होम्योपैथी के क्या डिसिप्लिन हैं, हर्बल के क्या डिसिप्लिन हैं, ताकि जब आप उन इंडस्ट्रीज में जाएँ तो आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप बेहद जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे निस्बतन उन लोगों के जो इस डिसिप्लिन के क्वालिफाइड नहीं है. लिहाजा इसको आपके सिलेबस में शामिल करवाने के लिए मैं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि गवर्नर साहब अभी नए आए हैं, हमने चार्ज लिया है, तो मैं यकीनन अपने एसोसिएशन की जानिब से चांसलर है क्योंकि वो, तो मैं उनको एक प्रपोजल पुट अप करूँगा कि ये डिसिप्लिन का हिस्सा इनके सिलेबस का पार्ट बनाया जाए. आई विल ट्राई माई बेस्ट और मुझे आप लोगों की सपोर्ट भी होगी, आपको यूनिवर्सिटी की सपोर्ट भी चाहिए होगी. थैंक यू. इसके बाद आ गया जी सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ द TCM प्रोडक्ट्स एंड ट्रीटमेंट. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाए ना जी, तो हमसे सबसे पहले वो स्टेबिलिटी डाटा मांगते हैं, सेफ्टी डाटा मांगते हैं कि जी आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी R&D किधर है, आपकी जो प्रोडक्ट है इसकी TCM किधर है, इसकी CTS किधर है, क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज, और उसके बाद उस क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज के अंदर से जो इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट कल्मिनेट हुए उसका डाटा किधर है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी देखें WHO ने कोई 10 साल हो गए इस बात को भी बहुत अच्छा डिसिप्लिन कायम कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स में, UK में, यूरोपियन यूनियन में और एशिया में स्टैंडर्ड बेल्ट हो गए हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन को सेफ्टी ड्रग बनाने के लिए. उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल स्टडी के डिसिप्लिन अनाउंस कर दिए हैं 0-4, पूरी दुनिया में 0-4 है, पूरे वर्ल्ड में किसी भी प्रोडक्ट को आपने रिसर्च करना है तो 0-4 में डिसिप्लिन के ऊपर आपने चलना है कि प्रोडक्ट जाएगी अंदर जाएगी, हेल्दी पेशेंट पे जाएगी, ब्रीज पे जाएगी, क्या करेंगी, पहला स्टेप क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, फिर मार्केट क्या. वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी वो डिसिप्लिन 3 पहले अडॉप्ट कर लिया और हम एज ए BM उस डिसिप्लिन में हमने अपनी एंट्री करवा दी कि जी हम अपने प्रोडक्ट पे ना सिर्फ R&D बल्कि क्लिनिकल ट्रायल स्टडी से भी गुजारेंगे हर प्रोडक्ट को. वो हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट जगहों पे कि आप अपनी ये प्रोडक्ट फला फला जगह के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर जो डाटा कलेक्ट होगा उसके बुनियाद के ऊपर जो WHO ने स्टैंडर्ड दिए हुए 0-4 अगर उसमें पूरी उतरेंगी तो उस प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट एक ठप्पा लगा देंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ये फार्माकोपियल अप्रूवल का राइट रखती है. ये काम आपने कर रहा है, ये आप लोगों से तोपे करता हूं, क्योंकि जो काम एक फार्मासिस्ट कर सकता है ना वो काम एक डॉक्टर भी नहीं कर सकता. मेरी बेटी जो फार्मासिस्ट है वो अक्सर मेरे से बेस्ट ही है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन जो है वो मेडिकल डॉक्टर है,
तो वो कहते हैं कि इसको सारे कहते हैं कि नहीं ये डॉक्टर है, डॉक्टर है, तो हमें तो कोई पूछता नहीं है। मैं कहता बेटा अगर फार्मासिस्ट ना होता तो आज शायद हम पेनड्रोल की गोली भी नहीं खा सकते। तो ये तुम लोगों की वजह है अगर पेनड्रोल की गोली खाने के काबिल है। वरना फार्मासिस्ट के बगैर मेडिसिन इंडस्ट्री आज जहाँ खड़ी है वो नहीं खड़ी हो सकती थी। ये आम नहीं तो लेकिन आप अपने आप में इतना ये डिप्राइव समझते हैं तो हमें बदकिस्मती हमारे पॉलिसीज की है, हमारे मुल्क की है, हमारे रेगुलेटर की है, हमारे रेगुलेटर इम्प्लीमेंटर की है कि हमारे फार्मासिस्ट को वो रिस्पेक्ट और वो खपत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। मेरा ओरिजन ये है कि जिस तरह लम्स का स्टूडेंट अपने आखिरी साल में आता है तो उसको नौकरी की ऑफर हो जाती है कि भाई तो फॉर्म हो गए मेरे को, इस तरह फार्मासिस्ट के पीछे भी हर यूनिवर्सिटी के पास लिस्ट जाए कि आप आखिरी बैच फॉर्म हो तो हमसे रब्ता करें, हमें 10 फार्मासिस्ट चाहिए, हमें 20 चाहिए, ऐसा लोगों की मांग निकलनी चाहिए। बट वो कहते ना ए मर्दे खुदा कुछ करके दिखा, तो अब मैं यही कह सकता हूँ खतून खुदा कुछ करके दिखा। तो ये सेफ्टी के ऊपर मैंने बात की कि इस वक्त सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के लिए मैं आपको बड़ा क्लियर ये बताऊं कि जितनी इंडस्ट्री अल्टरनेट सेक्टर की गवर्नमेंट रजिस्टर कर रही है जब तक उस इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल लैब नहीं होगी, फार्माकोग्नोसी लैब नहीं होगी, एनालिटिकल लैब नहीं होगी, माइक्रोबायोलॉजी लैब नहीं होगी, अगर वो स्टीरॉयल प्रोडक्ट बना रहे हैं स्टीरॉयल एनालिटिकल लैब नहीं होगी तो वो इंडस्ट्री अप्रूव नहीं होगी। अगर इतने डिसिप्लिन उसके अंदर पड़ गए तो वो सेफ्टी डाटा जो ये बन रहे हैं ना सारे के सारे, तो जब ये चीज़ें इतने सेफ्टी प्लान में से गुजरेंगी तो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्ट की सेफ्टी शीट बाहर आ गई। जब आपकी प्रोडक्ट बन गई तो फिर उसके बाद आपने उसकी स्टेबिलिटी डाटा शीट डेवलप कर ली। उसकी स्टेबिलिटी डाटा शीट जो है दैट डज मैटर्स कि एक प्रोडक्ट जो आपने डेवलप कर दी है उस प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, ठीक है। तो ये भी सब्जेक्ट बड़ा मैटर करता है। आजकल इसके बगैर आपकी प्रोडक्ट जो है ना रजिस्टर होती है ना मार्केट में आती है। इसके अंदर मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने सेफ्टी स्पैन बनाए हुए हैं लेकिन वो WHO ने सेफ्टी डाटा स्पैन दिया हुआ है वो बड़ा स्ट्रिंजेंट है और वाकई वो बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा है। जब आप BM में आएंगे तो आप उन्हें बताइएगा, पूछिएगा उनसे क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो आपके साथ नहीं हूँगा अंदर, क्योंकि अंदर डिपार्टमेंट में HODs होते हैं वो जवाब देते हैं आपके सवालों पर। उन्हें क्योंकि हमने WHO का सेफ्टी डाटा शीट और इसके साथ साथ जो आप अपने प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी स्टेबिलिटी डाटा शीट कैसे डेवलप करते हैं वो आपका नॉलेज होगा, वो हम देखेंगे, आपको आके खुल जाएंगे कि स्टेबिलिटी कैसे बनती है, एक प्रोडक्ट को टेस्ट कैसे करते हैं, जब प्रोडक्ट चलती है तो टेस्ट कैसे होती है, जब बनने के बाद मेडिकल में आती है तो कैसे टेस्ट होती है, 6 महीने के बाद उसकी स्टेबिलिटी कैसे ली जाती है, साल बाद कैसे ली जाती है, एक्सपायरी होने के 6 माह बाद भी स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, वो सारे डेटे पढ़ना समझना अंडरस्टैंड करना ये फार्मासिस्ट का जॉब है, ये आप लोगों ने देखना है इसको। अगले पेज पे चलते हैं जी, अगला स्लाइड दीजिएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ TCM, ये समझ लेंगे आज की इस सवारी नॉलेज शेयरिंग के जिस तक ये जो है ये जो मैसेज लिखा है ना 40% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है उनमें से 40% इंडस्ट्री जो है वो अल्टरनेटिव इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रही है। वेरा वो पंजाबी का नागरा सुना हुआ है, अच्छा तो नहीं है, चले बताई देता हूँ, जितों नहीं खोती उठे आन खलती। हम मिट्टी की हांडियों में खाने बना के खाया करते थे, अब दोबारा शुरू हुए हैं। हम ऑर्गेनिक खाने खाया करते थे, ऑर्गेनिक गंदम होती थी, ऑर्गेनिक सब्जियाँ होती थी, ऑर्गेनिक चावल होते थे, हर चीज़ ऑर्गेनिक थी। तो हम जनाब आहिस्ता आहिस्ता करके इनऑर्गेनिक पर चले गए, अब जनाब वो दुनिया वापस 40% ऑर्गेनिक पर शिफ्ट हो गई है, क्योंकि यूरोप में अमेरिका में कैनेडा में वो जब कोई हर्बल होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो वो ऊपर एक लेवल पे क्लेम लिखते हैं प्योरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक प्लांट्स, तो प्राइस मुझे लिखी होती है $50 लोग आज के लेवल पे कि ऑर्गेनिक प्लांट्स से बनी हुई है। तो ऑर्गेनिक जो है ये हमारी बॉडी जो है ये उसका जुज बिल्कुल है, उसका मुकम्मल पार्ट है, ये आपको मिनिमम 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 साइड इफेक्ट देता है कि जो आपको फील भी नहीं होते।
इसीलिए इंडस्ट्री एलोपैथी की लेटेस्ट डेटिंग की रिपोर्ट मैंने आप लोगों के लिए रखी कि इसमें पर मॉडर्न एरा में 40% जो एलोपैथिक इंडस्ट्री है वो अल्टरनेटिव इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो रही है। अगर और 5 साल के बाद मेरा आपसे दोबारा टाकना होता है जैसे दुनिया पर, तो हो सकता है ये 60 पे पहुंच गई हो, 50 पे ऊपर चली गई हो। वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखे मैंने इसके अंदर डिस्कवरी ऑफ एस्पिरिन ड्रिव ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर्मुलेशन यूजिंग द बार्क ऑफ द विलो ट्री। ये सेकंड मैंने देखी जो हमने अभी पहले जिक्र किया ना विलो का, तो विलो ट्री पॉपुलर का जो ट्री है पॉपुलर का, इसके जो बाहर की छाल है अगर उसको उतार के अंदर की छाल निकाल जो व्हाइट व्हाइट होती है उसके अंदर भी एस्पिरिन बनती है। लेकिन विलो जो है ये बेसिकली बहुत भरपूर एस्पिरिन है, नेचुरल फॉर्म में है। जब इसको प्योरीफाई करके इस्तेमाल किया जाता है तो विदाउट साइड इफेक्ट इसके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। तो इस ये चीज़ें रिसर्च से लानी है और रिसर्च के लिए आप बच्चों को आगे लगाया गया है कि पढ़ें, चीज़ें ढूंढें, लेकर आए। और R&D के लिए हमने आपको ऑफर किया है कि हम आपको R&D देंगे आगे। अगला है कि जो TCM प्रोडक्ट्स है ये जो प्रैक्टिस है सब्जेक्टेड टू सेम स्क्रूटनी है एज मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यानी इसका आम वर्जन मतलब क्या है कि जो जिस तरह एलोपैथिक मेडिसिन की स्क्रूटनी होती है कि उसके तमाम लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, डोज टेस्ट होते हैं, केमिकल केमिस्ट्री के टेस्ट हो रहे होते हैं, उसके माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट हो रहे होते हैं, हर चीज के टेस्ट से गुजरने के बाद प्रोडक्ट बनती है। अब आ गया वर्सेज नेचुरल। अब वर्सेज नेचुरल के अंदर जितनी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं ये भी सारी की सारी क्वालिटी कंट्रोल से गुजरने के बाद ही बनती है। उसके बगैर अब जो मौजूदा दौर है ना इसको प्रोसेस करने की इजाज़त है, ना इसको बनाने की इजाज़त है, ना इसको मार्केट करने की इजाज़त है। तो हम इसके अंदर जो है वो इसी तरीके से इसको लेके चलेंगे कि ये क्वालिटी कंट्रोल से गुजरेगी और उसके पैरेलल क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड देगी। इसी वजह से न्यूट्रास्यूटिकल की मेडिसन, हर्बल मेडिसन, होम्योपैथिक मेडिसन्स इंटरनेशनल मार्केट में इक्वली अपने अपने शेल्फ पर लगी होती हैं ताकि उनके स्टैंडर्ड एक जैसे नजर आए। और उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के हवाले से जो मेरी आपके साथ बातें हुई, डिस्कशन हुई, और कोई आप चीज़ पूछना चाहें लाइट ऑल कर दें बेशक प्लीज, जो बच्चों के जहन में कोई क्वेश्चन हो, जो जहाँ तक आपने आज सुना या देखा, परसों आपके विजिट में जो बच्चे आएंगे वो सवालों के जवाब प्रैक्टिकली जब आपको चीज़ें देख रहे होंगे वहाँ पर, तो वो जगह मैंने वही स्टाफ देगा। फिर मेरी मुलाकात अगर आपसे होगी तो कुछ क्वेश्चन अगर होंगे मेरे लेवल पे तो आई विल डेफिनेटली इंटरेक्ट दैट क्वेश्चन। लेकिन आज के हवाले से अगर आप बैठे कुछ लोग समझते हैं कि देर इज़ एनीथिंग टू पास, और वो मैं एक बात कहता होता हूँ जब कोई क्वेश्चन नहीं आते ना तो मैं वो भी कह ही दूँ मेरा ख्याल है। मैं अब तक पाकिस्तान में मोर देन 100 मॉनिटरिंग सेशन कर चुका हूँ, मोर देन 100, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मेरे कोई 20 के करीब सेशन हो चुके हैं इंटरनेशनल इंक्लूडिंग USA। तो जब कोई सवाल नहीं आता ना तो सबसे ज़्यादा उसमें खुशकिस्मत बनना क्या होता, जो बोलना होता है। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा लूजर कौन होता है, वो जो सामने बैठा होता है, जो जिसको ये पता ही नहीं है कि आज की चीज़ों में मैं कितने लूपहोल छोड़ गया हूँ, आज की चीज़ों में मैंने किन टेक्निकल और साइंटिफिक बातों पे रोशनी नहीं डाली जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए स्टूडेंट बड़ा मैटर करती है, आपके फ्यूचर के साथ लिंक करते हुए आपने एज ए MPhil स्टूडेंट जाना है, तो ये मॉडर्न एरा में अल्टरनेटिव इंडस्ट्री कैसे उसके ऊपर जाएंगी। आप जब अपना थीसिस बनाते हैं तो 90% बच्चे अपने थीसिस के अंदर पहुँचना कोई हर्ब ढूंढ रहे होते हैं, मेरे पास पहुँचते हैं सर ये हर्ब के बीज मिल जाएंगे मैंने इसमें थीसिस लिखना, ऐसे ही है कि नहीं है। तो बेटे आपने अपने क्वेश्चंस को जरूर किया करें, एंड बिल्कुल आपने इस बारे में शाही नहीं करना है, क्योंकि पूछने का मतलब ये होता है कि आपने जो सुना है सुना नहीं है, समझा है, और समझ आ रही है, बल्कि उसके अंदर से कुछ चीज़ें जो आपको क्लियर नहीं है, आपने उसकी क्लैरिटी मांगी है कि जी ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह आगे चल सकता है। तो अगर आपने आज की सेशन में कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई जी जी प्लीज जी।
जी जी प्लीज वादा सेक मच इस इस क्या क्या हर मरी जनता आराम तो था हमने इस कर दिनों काम स्टार्ट दिया बस हम ऑलरेडी एक एफर्ट पर बात बोले वेरी गुड पाकिस्तान ये है जब मैं कुछ लोग आवाज़ दूँगा ये थोड़ा सा और रेगुलर भी मैं नहीं कर रहा हूँ पर मैं मैं दो लोग से लिंक कर एक ही जगह जब हम होम्योपैथी तो पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर देंगे उन्हें प्रैक्टिशनर बैक तो इन कोई टर्मल तो था पर ये नहीं है कब काम नहीं कर डिटेक्ट में होते साइड पे काम लेकिन वो जिन्हें जिस हम साइंटिफिक टेस्ट लाइक करने जाते हैं हम दैट इज वन आई गो वन एम बी करने वन बी की कर से कि तो वो डिटेक्ट से लोग ये हम उसको साइड से देनी है बस अब आई वेस सेइंग दैट पार्ट से उसके बारे में वो ये तो चेंज दैट इज हम जो थेरेपेटिक आउटकम भी रिक्वायर्ड है उसकी डिटेक्शन उसकी सेफ्टी एंड कैसे हम साइड टू ही कैप रिलेवरेट कर पाए देखिए क्योंकि अच्छा सही हो गया है आपके सर इसी भी कारण पिंच रहे तो मैं जिस नर्क के लिए तो आरंभ भी कि आम सब पर लोग को निर्वस्त की बस की बात करते हैं तो हम भी इंटरेस्ट में ये पढ़ा कि इंटरेस्ट इधर की जो गोल्स है वो बहुत वाइड देख लें यानी इसमें आपको ये बहुत दस हंड्रेड तक 200 तक हैं जी बिल्कुल है ये मुआती जॉब्स की वे डॉक्टर लेके बस सिगरेट से हो रही है दस दिन और डेली सूचना दे रहे क्या वो एब्जॉर्ब नहीं होती है पर नहीं तो वो एरोथेरेपी का सिपन कनेक्ट है सी एक मिनिमम रिसेप्टिव कंसंट्रेशन वाली चाहिए इसके बाद एक मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन तक पहुंच के अगर इस दस ग्राम खाती हूँ तो सौ ग्राम खाती हूँ वो लेवल क्या है यानी कि वो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन तक यानी हर लेवल तक वो हर हाल में पहुंचेगी मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन यानी सौ ग्राम तक भी और दस ग्राम तक भी होम्योपैथिक डोज के बारे में ये कहा जाता है कि जी दवाई ली है लेकिन दवाई ने काम नहीं किया पहले इसका ग्राम यह है कि होम्योपैथी नेवर फेल्स व्हेन एवर फेल्स द डॉक्टर फेल्स बिकॉज हिज सिलेक्शन इज नॉट गुड नंबर टू क्वेश्चन को साइंटिफिक दलायल की बुनियाद पर मोड़ दिया कि जी ये मेरे पास रावोल्फिया सरपेंटाइना जो है ये उसका प्लांट है तो मैंने इस प्लांट की एक्सट्रैक्शन की है मैसीरेट करने के बाद और एक्सट्रैक्शन करने के बाद मैंने इसके ये वाले टेस्ट करके तो मैंने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग किया है और मुझे इसमें ये इतना मिला ये इतना मिला ये इतना मिला समझ आ गई डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब मैं होम्योपैथी की रावोल्फिया सरपेंटाइना की 30 पोटेंसी पकड़ता हूँ तो वो तो मुझे लेबर से पता लग रहा है कि ये रावोल्फिया है अंदर से तो मुझे समझ नहीं आती अंदर से मुझे बिल्कुल खुशबू आती है ये आपका सवाल है अगर टेक्निकली बात की जाए ये मैं सवाल भिगत चुका पूरी दुनिया में बड़ी दफा बुनियादी तौर पर होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर जो थेरेप्यूटिक डोज है ना थेरेप्यूटिक डोज वो फार्माकोपिया एवेल्युएट नहीं करता अगर आप होम्योपैथिक फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट्स के HPCUS का पहला चैप्टर देखें तो वो कहता है कि होम्योपैथी की स्टडी इस बुनियाद पर हुई थी कि हमने रावोल्फिया सरपेंटाइना जो है उसकी हमने डिकॉक्शन निकाले हमने उसका टिंक्चर लिया है एंड हाउ टू मैसेरेट द टिंक्चर उसकी तीन स्टडीज कंपाइल की गई एक स्टडी की गई सेंटेसिमल स्केल के ऊपर और एक की गई डेसिमल स्केल के ऊपर डेसिमल स्केल के ऊपर के टिंक्चर जो थे वो प्राइसलेस डिक्लेयर हुए उसके अंदर बहुत ज्यादा एजिडस चीजें एक्सट्रैक्ट होके आ गई उसको उठा के उन्होंने 1:9 की रेशियो पे कन्वर्ट कर दिया 1 kg हर्बल ली और 9 kg मैसीरेशन के अंदर डिसाइड किया कि इसको हाइड्रो सॉल्यूशन बनाना है पहले तो हाइड्रो में 60% और उसके बाद जो रेक्टिफाइड है वो 40% और दोनों को ऐड करके ये हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन जब बनेगा तो इसके अंदर से मैसीरेशन टाइम पीरियड के बाद जितना अल्कोहल कशीद करेगी एक्सट्रैक्ट को होम्योपैथिक मदर टिंचर कहलाएगा अब अगला पार्ट सुनने वाले बच्चों का भी और आपने भी हमने टिंचर निकाल लिया वो कितना निकला 1:9 की रेशो है तो कितना टिंचर निकला जी बेटा 10 लीटर मैंने एग्जाम्पल नोट किया कि 60 हाइड्रो पानी और 40 रेक्टिफाइड अल्कोहल
to 60 and 40 is the hydroalcoholic solution is equal to the mother tincture of homeopathic preparation. अब जब हमने 1 kg herb ली है और उनको से hydro solution लिया है 60-40 का, तो वो 10 लीटर के बैच के लिए फार्माकोपिया की ये रिकमेंडेशन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमने हनी बी ली है, क्या लिया है? तो हनी बी हम 1 kg लेके तो 10 लीटर जब बनाएंगे तो वो तो पॉइजनस हो जाएगी, तो वहाँ भी फार्माकोपिया अपना स्टैंडर्ड चेंज कर देता है। वहां जो कहता है कि 100 ग्राम, वो कितना नीचे आ गया। इसी तरह बाकी पॉइजनस प्रोडक्ट को फार्माकोपिया में ऑलमोस्ट 3000 प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेड है जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने स्टैंडर्डाइज्ड करके फार्माकोपिया डॉक्यूमेंट किया हुआ, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के 5 ममालिक जो है वो मुत्तफिक है और वो उसी फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं। अब ये जो चीज है कि जी वो प्रोडक्ट की डिटेक्शन आगे कैसे होगी, वो प्रोडक्ट जब अपने टिंचर फॉर्म में होगी तो वो सारे वो टेस्ट देंगी जो फार्माकोपिया में, जो हमारे फार्माकोपिया में डॉक्यूमेंटेड है कि आप ये टेस्ट करेंगे तो ये पीक आएगी इसके, अगर आप इसके अगर आप एग्जाम्पल हम उसकी FDR स्टडीज करते हैं उसके ऊपर उसकी अपनी पिक्चर अगर अपनी फैमिली और अपने ग्राफ आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उसकी HPTLC स्टडीज करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में HPTLC स्टडी प्लांट किस तरह VM में हो रही है, वो भी आपको दिखाएंगे कि वो यूनिट किस तरह का है, वो कैसे स्टडी देता है, वो कैसे पीक बनाता है, वो कैसे रीडिंग्स देता है। हमारा फैम लोग भी यह कहता है कि अगर आपकी वो रीडिंग, वो स्टडीज, वो आइडेंटिफिकेशन इसके मुताबिक अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि जो रावोनफिया सरपेंटाइना का टिंचर होम्योपैथिकली आपने बनाया है इट इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन जहाँ पे फाइटोफार्मास्यूटिकल शुरू होती है, होम्योपैथी यहाँ बैंड हो गई, फाइटोफार्मास्यूटिकल भी कहती है कि जनाब रावोनफिया सरपेंटाइना का 10 लीटर जो आपने टिंचर बनाया है उसके अंदर एक्चुअली जो रावोनफिया है वो कितने परसेंट उसके कॉन्स्टिट्यूट पाए जाते हैं और जब एक बंदा ने पिएगा तो कितने मिलीग्राम इसकी 10 ml की चम्मच में जाएंगे। आपका क्वेश्चन ये है, ऐसे ही है सर, ये होम्योपैथी का क्वेश्चन नहीं है। होम्योपैथी इसको फार्माकोपिया को वहाँ पे क्लोज करती है कि इसके आगे साइटोफार्मास्यूटिकल शुरू होती है और होम्योपैथी जब उसका टेंशन बना देती है तो वहाँ से फिर आगे चलता है, उसे कहते हैं होम्योपैथिक डाइल्यूशंस। अब उसका भी एक मेथड है, उसके 3 मेथड है। 1 मेथड इज होम्योपैथिक डाइल्यूशन प्रिपरेशन सेंटेसिमल स्केल, होम्योपैथिक डाइल्यूशन डेसिमल स्केल, होम्योपैथिक डाइल्यूशन मिलीसिमल स्केल्स। अब स्क्रीनें लगी हुई हैं, अमानुल्लाह बिस्मिल साहब खड़े हैं, टांगे गांठ दी ऐसे मौके में जब 4000 बंदा बैठा हो सामने आपका, आपने जवाब दे रहा है। तो कैन यू नो हाउ यू कैन प्रूव कि इट्स नॉट अ प्लेसिबो? मैं क्या आई कैन प्रूव, कहते हैं इफ यू विल प्रूव इट देन आई विल ट्राई टू स्टार्ट स्टडी होम्योपैथी। उसे ये नहीं कहा मैं बिलीव करना शुरू कर दूंगा, आई विल ट्राई टू स्टार्ट स्टडी होम्योपैथी। ठीक, मैंने कहा आई हैव लॉट ऑफ केसेस विच आई कैन ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड ऑन योर मल्टी मीडिया। देर इज अ पेशेंट एज 1 डे, 5 डे, 10 डे, 1 month, ओके, the patient is with me with the appearance of skin disorder, there are abrasions in the body, child is very much peevish and very much aggressive, and side by side the child has a diarrhea, 6 to 7 nose motions in a day, right? Child cannot express me कि क्या मुझे दर्द हो रही है, मुझे कुछ और हो रहा है, मुझे मतली हो रही है, मुझे ये हो रहा है। मैं क्या आई एम गोइंग टू एडवाइज द होम्योपैथिक डाइल्यूशन विच हैज अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट नथिंग इन इट ओनली अ प्लेसिबो, आई एडवाइज द चाइल्ड विच हैज नथिंग टू एक्सप्लेन टू मी टू कंट्रोल द चाइल्ड डायरिया एंड टू कंट्रोल द स्किन डिसऑर्डर, एंड विद इन 7 days आई हैव द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द डायरिया इज कंट्रोल्ड, द स्किन इज स्टार्ट इम्प्रूविंग विद द प्लेसिबो स्टैंड्स। Placebo has an effect on your mind and my mind.
but not in the mind of an infant. Am I right? Where are my partner as well? Oh yeah. I have no experience. Yes, you have no experience. That's why we are questioning. Once you prove it at your clinic, and I am always there to assist you, whatever the case comes to you, under the age of 1 year, start homeopathy. Then do let you know. If you don't do it or not do it. But always the need is that your selection, look, diarrhea is not 20 medicine. अब ये सिलेक्शन तो डॉक्टर ने करनी है ना कि डायरिया किस तरह का है. ये एलोपैथिक तो नहीं ना है कि जी ये तो मीटाडीन क्या होता है, मेट्रोडीन क्या होती है, यह शब्द दे दे वो दे दे तो फ्लैजर दे दे. मैं भी होम्योपैथी में तो बेस मेडिसिन है. मैं डिस्ट्रैक्ट करना है कि टॉडलर की मेडिसिन डायरिया की कौन सी है, टीन एजर की कौन सी है, एडल्ट की कौन सी है. वेरी गुड क्वेश्चन बेटे जी, आप एग्जाम्पल कोट करें फिर मैं बात कर सकता हूँ. कोई भी क्रॉनिक डिजीजे हैं, पेशेंट्स हैं, हार्ट की हैं, कोई लिवर के डिजीजेस की हैं, उनको मेडिसिन बहुत लंबे अरसे तक खा रही बेटा जी. बात अगर कोई ऐसा मरीज है जो कहता है कि मैंने महीना दवाई खाई, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, मैंने भी दसो कौन है ताकि मैं भी ठीक हो जाऊँ, उसको पूछे. बेटे जी, ये वो बीमारियाँ हैं विच आर जेनेटिकली इंड्यूस्ड डिसऑर्डर इन योर बॉडी, नंबर वन. नंबर टू, विच डिजीजेज आर एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड इन योर बॉडी विच कैन नेवर बी क्योर्ड. नंबर थ्री, इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी एक्सेप्टेंस के आपका मेडिसिन का कौन सा साल्ट है जो डॉक्टर एडवाइस कर रहा है. कुछ लोगों को कॉमनली एमलोडीपीन फलाटमकार काम ही नहीं करती, उनको रिफेडीपीन में जाना पड़ता है कि भाई इस जबान की नहीं जो है वही रखो, बिबी नहीं आ रहा. क्यों भी भाई, अब जब पेरेंट से बन गई, आई मीन पैरासीटामोल जब बन गई जो उसका जेनरिक है, तो फिर बाकी पेन किलर बनाने की क्या जरूरत है. देयर इज नो नीड ऑफ इट, वन इज ओके. बट वो रिसर्च में जब गए तो उन्होंने ये देखा कि इसकी बॉडी में ये चीज़ जाने के बाद कितनी देर में काम करती है. सेम एज मैं होम्योपैथी पे आता हूँ, मैंने अभी ये भी शुरू में बात करी कि होम्योपैथिक मेडिसिन नेवर फेल्स. जब भी फेल होगा ना, मैं फेल होऊंगा कि मेरी सिलेक्शन गलत होगी, मेरा डोज एंड डोल्यूशन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो गलत होगा. अब कभी कभी ऐसे भी होता है, मैंने सिलेक्शन किया है पेशेंट कि किडनी स्टोन है वो यूरिटर में आई हुई है, और मुझे ये पता है कि हफ्ता 10 दिन लेगी, ये फंसी हुई है उस जगह पे, मैंने इसको डिजॉल्व करके मैं लेके आना है, और मैंने पहले उसका साइज अल्ट्रासाउंड में असेस कर लिया है कि इसका साइज कितना है, क्या ये डिजॉल्वेबल है, या मैं उसका यूरिन चेक करा के देखूंगा कि उसके यूरिन के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीलेट, फॉस्फेट क्या निकल रहा है, क्या ये ब्रेकेबल भी है या नहीं है, और अगर वो स्टोन स्टैंड ऑन है तो फिर तो मैं पागल हूँ, फिर मैं उसका इलाज कर रहा हूँ. I was sent to the surgeon. कि भाई ये तो स्टेबल स्टोन है, ये तो रिमूव ही नहीं हो सकता. लेकिन अगर मेरी सिलेक्शन ठीक है, मेरी मेडिसिन ठीक है, तो मेरी 45 ईयर की प्रैक्टिस में मैंने 48 घंटे में किडनी स्टोन रिमूव किए हैं. लेकिन सिलेक्शन पे डिपेंड करता है. और कई केसेस ऐसे भी हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूँ कि बच्चे को सीख सके. एक पेशेंट है, एक किसी मेरे जैसे निगमे डॉक्टर के पास चला जाता है, ये पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, महीना पूरा खपता रहता है. मैं कभी उसको एक दवाई देता हूँ, कभी दूसरी देता हूँ, कभी तीसरी देता हूँ, पेट में ठीक नहीं होती. अब वे मुझे छोड़ के एक इंटेलिजेंट होम्योपैथ के पास जाता है, वो कहता है सर मैंने फलाने से इलाज कराया, मुझे पेट में दर्द ठीक ही नहीं हुई. उसने कहा उसने आपको पूरी चीज़ें चेक की, आपको उससे पहले कुछ भी नहीं किया. तो उसने कहा अच्छा पेट में दर्द कहाँ है, उसने उसको लिटा लिया. उसने कहा सर मुझे यहाँ दर्द है, अच्छा लंबा सांस लो. उसने उसको एब्डोमिन पल्पेट किया, फिर उसने उसका एक अल्ट्रासाउंड करवाया, एक उसका यूरिन टेस्ट कराया. उसकी रिपोर्टें आने के बाद पता लगा कि उसके तो पित्त में बथरी है. मैं उसको दवाई पेट दर्द के दे रहा हूँ. नाउ यू गॉट माय पॉइंट, माय डायग्नोसिस इज रॉन्ग.
My diagnosis on the clinical practice is on the basis of the oral assessment. Oral, which is not a good practice. Whenever you see your patient, aapki assessment patient ki intensity ke saath match karni chahiye. If you don't have the knowledge ki ek mareez jo hai wo dard dard kar raha hai aur saath dil bhi kharab kar raha hai, hodiyan bhi pehen raha hai, kabhi haath apne piche rakhta hai, kabhi idhar rakhta hai, so it means ki he is a patient of renal colic, usko gurde ki dard hai. But then aapne uske oral assessment pe faisla karna hai, ya uske physical assessment pe faisla karna hai. You have to have weight for the urine test and for the ultrasound test to detect either both the kidneys are okay, kya unki ultrasonic report mein uska koi stone to nahi hai, koi gravels to nahi hai, kya uske urine mein koi UTI ki problem to nahi aa rahi hai jiski wajah se ye sab kuch bandh raha. Phir aap medicine ke selection kare, then you see the result in hours. Theek hai, ये होता है. इसलिए होम्योपैथी नेवर फेल्स, एवर ए होम्योपैथिक डॉक्टर फेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. जी बेटा, इस प्रकरण डी फॉर अ फार वेस्ट द सेम डे इज हो यू आप वे फार में बैठ जाइए मेरे पास. वे बाहर हो गए दया अंदर तंदुरुस्त रहती है. मैं बैंड वेदर एंड इस महीने में हक में हूँ बच्चों के, क्योंकि मेरे अगले बच्चे भी हैं, तो मैं उन्हें भी कहता हूँ कि बेटे ठीक है आप पहना सकती हो ना एक मुलाजिम रखो घर में वो काम करें, बट अपनी क्वालिफिकेशन को तनाव ना करें. दुनिया को कुछ दो, कौम को कुछ दो. आप R&D में आओ, एलोपैथ ने फैसला कर लो कि आपने कम्युनिटी फार्मेसी में जाना है, क्लिनिकल फार्मेसी में जाना है, हॉस्पिटल फार्मेसी में जाना है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जाना है. मैं कितनी मिसाल रखी बच्चों में नए नहीं तुमको अभी तक ये भी नहीं बताओ नहीं जाना किधर है. एवर राइट, ऐसे ही है ना मास्टर. 40 साल तक रियली उनके सब्जेक्ट को देखा कि कौन से सब्जेक्ट में किस तरह जा रही हैं, आगे क्या करना है इन्होंने, इसलिए आगे कैसे लेके जाना है अपने आप को, ये मेडिकल में जा सकते, यही ये मसला है. तो फिर क्या होता है मेरी जितना नजर में, फिर ये बेस्ट तरीका है कि जिस सिचुएशन में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ की जो फैकल्टी है ना वो पिक एंड चूज करती है कि ये बच्चे ऊपर जा रहे हैं, पेरेंट्स को बनाती है कि आपका बच्चा इस पोजीशन में जाना चाहिए, आप इस तरह इसको लेकर चले, फिर ये होना चाहिए. लेकिन मेरा आप सब बच्चों से जितने भी फॉर्म डी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो मजीद आगे कर रहे हैं, आप अपने आप को ये अपने दिमाग में क्वेश्चन डालें कि वेयर यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 2 ईयर्स. अभी लंबा प्लान ना बनाए, 10 साल वाला, 2 ईयर्स का बनाए सिर्फ. आप अपने आप को सन 2026 में कहाँ देख रहे हैं? आपने 2024 में क्वालिफाई कर लिया, 25 और 26 में 2 साल में आपने अपना कैरियर, फिर आपने देखना है व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर फॉर ए फार्मासिस्ट विद ए सिंपल फॉर्मडी डिग्री. अब सिंपल फॉर्मडी डिग्री के बाद आप देखें कि जी आप यह ना सोचें कि मैंने ये सबसे आसान काम कौन सा है, बस मैं जाऊँ और मैं आ जाऊँ. लड़कियाँ यही ढूंढती हैं ना जी, तो मैं भी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बड़ी ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ. मुश्किल काम बोल रहे हैं वो टास्क हो रहे हैं कि जिस टास्क के ऊपर दुनिया, मैं अपनी बायोग्राफी लिख रहा हूँ, अल्लाह करे कि मेरी ज़िंदगी में मुकम्मल हो जाए, और मैंने उसका टाइटल चोरी किया है. मैंने लिखा है मैं अपनी ज़िंदगी में मायना नहीं रहा. मैंने 4 किताबें लिखी हैं एंड यू विल वंडर टू नो मैं फार्माकोपिया लिख रहा हूँ आजकल, और मैंने तकरीबन कोई 4 बच्चे. आप लोग मेरे वहाँ जाएंगे तो आप मेरे स्टाफ से बोलें कि हम जो फार्माकोपिया डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो दिखाएं. 400 मोनोग्राफ हमने सब डेवलप किए हैं अपने इदारे के अंदर. 400 मोनोग्राफ डेवलप कर रहा है. अपने टीचरों से पूछे बंदे का पसीना नहीं आते, निकलता पैरों के आगे से जा निकलता एक मोनोग्राफ बना रहा. बट आई एम प्राउड ऑफ माई टीम कि वो मेरे को सपोर्ट करती है, सारे के सारे रिसर्च माइंडेड है, और अलहम्दुलिल्लाह 400 नंबर क्रॉस कर चुके हैं मोनोग्राफ्स के अंदर. और मैंने ये मोनोग्राफ NIH इस्लामाबाद को भेजे, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में भेजे, तो वहाँ से कुछ और जवाब आने के बजाय आया शाबेश कीपर. मैं कहूँ वो क्वेश्चन ही कहने कंटिन्यू करो लेकिन ठीक है. तो ये जो बातें हमने की हैं बेटे, ये इनको सिंपल नहीं लेना. आज के इस सेशन को, नॉलेज शेयरिंग को अपॉर्चुनिटी समझें, इसमें से अंडरस्टैंडिंग लें, अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें, सोचें कि भी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर क्या होता है,
हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी में क्या है, ठीक है। क्योंकि आपको जब जाते हैं तो कम्युनिटी फार्मेसी के लिए भी आपको भेज देते हैं, जाओ पिंड जाओ जाके गैस बना के ले आओ, आप घर ही बैठ के किसी मुलाजिम से पूछ दिया तेरे पिंड की होंगे तो गैस बना तुझे लाके जमा करा देते हो। वैसे ही है मेरी बेटी के जब ये मामला आया तो मैं उसको गाँव में लेके गया, मैं कहा मेरे साथ चल रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊँ कि गाँव में क्या होता है लोगों के साथ, कैसे लोग इलाज करते हैं। उसे एक माई ने उसको कहा कि पुत्र साढ़े उत्ते टिट च बहुत ही पीड़ हुए थे, असं अंडा बाल के भी नहीं, मैं बच्चे ने फिर असं की देना। ये अभी नहीं मौजूद है, अंदाजा करें आप। उसने पूछा अम्मा जी आपके अस्पताल यहाँ से कितनी दूर है, तो उसने उसको कहा दो पंद। अब मेरी बेटी कह रही है बाबा ये पंद क्या होता है, ये कितनी दूर होता है। मैं क्या पंद बेटे आप समझना मील है, कि वो 2 मील दूर है यहाँ से जी, और यहाँ पे कोई सवारी भी नहीं है, उन्होंने पैदल जाना है, पैदल आया रास्ते में मरीज मर जाए। तो वो फिर कहने लगी कि बाबा ये किस तरह कम्युनिटी को फिर कंट्रोल करते हैं, कम्युनिटी के अंदर तो कम्युनिटी डिस्पेंसरीज होनी चाहिए। मैंने बेटा हम डेवलप कंट्री की बातें कर रही हूँ, हमारे मुल्क में तो अल्लाह का शुक्र है कि DHKO BHKO बेसिकली बन गए, यही मानी यही बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से हमको सर्विसेज देने में है। लेकिन आप लोग अपने कैरियर का डिसीजन आज से सोचे, फॉर्म डी की डिग्री लेने के बाद और फॉर्म डी का कॉन्वोकेशन अटेंड करने के बाद एक साल घर बैठ के सोचते रहे कि उनमें जॉब अप्लाई करा किसके लिए करूँ, नहीं, आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। मैं इसी वजह से आज के इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो ब्रिज हैं ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रिज होनी चाहिए। और हमारा जो आखिरी साल है फॉर्म डी का, अगर मेरी कोशिश कामयाब हो गई तो जिस तरह डॉक्टर का आखिरी साल पूरा अस्पताल में गुजरता है ना, तो इस तरह फॉर्म डी के स्टूडेंट का आखिरी साल वहाँ गुजरे जहाँ उसने फ्यूचर अडॉप्ट करना है। अगर उसने इंडस्ट्री में जाना है तो पूरा साल आखिरी इंडस्ट्री में गुजरेगा, अगर उसने हॉस्पिटल फार्मेसी में जाना है तो पूरा साल उसने हॉस्पिटल में गुजरना चाहिए, अगर उसने क्लिनिकल फार्मेसी में जाना है तो पूरा साल उसने मेडिकल स्टोर में गुजरना चाहिए। This is my message and this is my vision for all of you pharmacists. I thank you very much and I once again appreciate the Vice Chancellor and I really pay my thanks to the Vice Chancellor for giving us an opportunity to be here with all of you, and I also pay my thanks to all the honorable faculty members ke jinhone isko organize kiya, aur main tawakkul karta hu ke wo aainda aapse topic puche। ये तो हमारा टॉपिक है ना, आम बच्चे डिसाइड करें कि अगला टॉपिक हम ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी में बात करें, क्लिनिकल फार्मेसी में बात करें, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में बात करें, ताकि बच्चे अपना कैरियर चुनने में इजी हो जाए, ताकि हमारी इन अगर हम आज ये बातें आपसे नहीं करेंगे बैठे तो फिर काम कौन करेगा। क्योंकि आप तो यहाँ सिलेबस पढ़ने आते हैं ना, ये वाली बातें तो हम जैसे लोग आगे कर सकते हैं यहाँ पे। तो आई थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। We have been to the radio pharmaceutical rise of scientist Dr. Naya Rajiv Khan with us, and he is coming to the stage to introduce the session. Thank you. सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे स्पीकर ने डॉक्टर अमान और आप सब फैकल्टी मेंबर्स और हमारे स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पर आए और आपने ये सुनने की जहमत की और अपना वक्त कीमती निकाला। एक शेर डॉक्टर से मेरा पहला तारीफ हुआ जो हमने यहाँ सामने से शुरू की, डॉक्टर आप सामने से शुरू प्लीज थैंक यू। वैसे मैं कुर्सी के काबिल तो नहीं है पर मैडम की चेयर है, चलो उन्होंने खुद ऑफर किया। डॉक्टर साहब ने फार्मेसी के यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी को बनने में हमारे साथ खड़े रहे और बिहाइंड द स्क्रीन हेल्प करते रहे कि इसको रैप अप ना किया जाए। अब आपके सीनियर जो फैकल्टी मेंबर हैं वो इस बात से वाकिफ हैं और उस वक्त डॉक्टर साहब आते रहे और हमें बड़ी हेल्प आउट करते रहे, उस बड़ा छोटा सा इनका यूनिट होता था और सफर के साथ जैसे तब्दीलियाँ आती हैं, इंसान सीखता है, बदलता है, बढ़ाता है। तो डॉक्टर साहब से जब मैं
यहाँ पर 2000 डॉक्टर साहब आपके लिए बात खाली साहब ने हमारे साथ जिस बूम पर चले और इस तरह कुछ एक दो और हमारी फार्मेसी के नाम हैं जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल की फार्मेसी के प्रोफेशन के लिए और उन्होंने जब वो बूम पर आए तो उसके बाद इस पूरे सिनेरियो को लेके चलना और आगे की तरफ जाना एक फार्मासिस्ट का ख्वाब होता है। 20 साल किसी डिपार्टमेंट के लिए कुछ नहीं है फैकल्टी बनते हुए, कोई ये अरसा नहीं है, लेकिन इस दौरान ये फैकल्टी भी बना, इसमें एलाइड हेल्थ साइंसेस भी ऐड हुई, इसमें फैकल्टी मेंबरान ऐड हुए और उसके अलावा जो सबसे अच्छा काम हमने किया वो इनको इनकी अपनी स्पेशलाइजेशंस के हवाले से पहचान देना। पांचों डिसिप्लिन्स में हमने कोशिश की कि हम इनमें पोस्ट ग्रेजुएट शुरू करें और उसके बाद उसको प्रोग्रेस करें, आगे की तरफ लेकर जाए। इस पूरे सफर में 20 साल होना, लाहौर कॉलेज को भी बने हुए तकरीबन 20-21 साल, 2002 में ये यूनिवर्सिटी बनी। सिर्फ इस यूनिवर्सिटी को ये एजाज हासिल है कि यहाँ पर फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल और एलाइड हेल्थ साइंसेज है जो कि मुकम्मल तौर पे ख्वातीन के लिए बनाई गई। पूरे पाकिस्तान में ये वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर फार्मेसी विद स्पेशलिटी विद द एजुकेशन फॉर द फीमेल्स इनग्रेव्ड हुआ। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जब हम आए तो PhDs नहीं थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी फैकल्टी ऑलमोस्ट PhD है। दूसरा काम हमने स्टार्ट किया, 70 की क्लास को 140 की क्लास में डबल किया और आज हम इस अपने पैरों पे खड़े हैं कि हम खुद अपने फंड्स जनरेट करें और इनको उन लैब्स की तरफ लेकर जाएं जो ये डिजर्व करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी भी उनकी प्रायोरिटी अगर आप डाटा उठाकर देखें तो एजुकेशन इतना नहीं रहा, उनकी प्रायोरिटी जो थी वो somehow उनकी प्रायोरिटीज में एजुकेशन रिसर्च नहीं डेवलप हो सका। लेकिन मैं इसको भी नहीं ऐसा सोचती, मैं कहती हूँ पाकिस्तान बनने के 76 years गुजरने के बाद भी आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ कम से कम हम में सवाल करने की, बैठने की, उठने की और चीज़ों को डील करने की जरूरत क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि आज आप सर उस इरा में भी देखा है जिसमें ख्वातीन बहुत डरती थी और पूरी क्लास फार्मेसी की पंजाब यूनिवर्सिटी की ज़्यादातर मेल्स होते थे, कोई दो या तीन ख्वातीन होती थी और ये बहुत सारे शोबों में यही हाल था। अब हम इतने इदारों से फार्मासिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि अब हम जाकर इस जगह खड़े हो गए हैं वेयर द क्वालिटी लाइज। देखिए इंसानों की जिंदगी जो होती है ना पूरी, आप अगर इंसानी तारीख पढ़ें तो वो गार से शुरू हुई थी और डेवलपमेंट की तरफ एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू से लेकर आखिर तक रहता है, इर्तका का प्रोसेस। जिंदा वो लोग रहते हैं जो इस वक्त के तकाजों के साथ जिंदा रहते हैं। आज जब फार्मेसी फार्म डी बन गई, क्योंकि जब मैंने किया उस वक्त बी फार्मेसी होती थी, 4 साल का प्रोग्राम था, उससे पहले 3 साल का प्रोग्राम था और जब हमने इसको 5 साल के प्रोग्राम के तौर पर लिया तो आज जाकर मैंने अक्सर अपनी जगहों पर यह भी कहा कि उस वक्त सीटें भी नहीं होती थी फार्मासिस्ट की एट द तहसील लेवल, तो हमारे सीनियर्स ने उन सीटों को क्रिएट करवाया और उस क्रिएट करवाने में जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे उनसे ये सेक्रेटरी साहब ने, बल्कि उस वक्त के जो, क्योंकि डॉक्टर्स वर ऑक्यूपाइंग ऑल द प्लेसेस, तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी तादाद इतनी हो जाए ना फिर आना, क्योंकि 3 यूनिवर्सिटियों से सिर्फ निकल रहे थे, बड़ी मिनिमल तादाद थी एज कंपेयर टू डॉक्टर्स। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पंजाब में 38 इंस्टीट्यूट से
ग्रेजुएशन कर रहे हो फार्मेसी में। और आज के इस दौर में आप लोगों और हम पर, क्योंकि आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चियों की प्रायोरिटी होती है कि वो टीचिंग की तरफ जाएं ताकि अपनी जो लाइफ है उसको ज्यादा ईज करके शादी के साथ गुजार सके, आप पर और हम पर अब जिम्मेदारी डबल और ट्रिपल हो चुकी है, क्योंकि क्वालिटी अब हमारा मेजर फोकस हो गया हुआ है। क्वालिटी की तरफ जाने के लिए हमें, हम सबको अभी एक्सपेरिमेंटल फेजेस से गुजर रहे हैं। ये मैं आज आपको बता दूं कि एक दिन शायद हम नहीं होंगे, हमारी जगह और लोग होंगे, और हमसे पहले भी लोग यहां पर थे, वो शख्स जो अपनी जिंदगी को तरतीब देता है अल्लाह की तरतीब के मुताबिक, और अल्लाह कभी किसी मेहनत के ऊपर रायगा नहीं जाने देता। अगर ऐसा होता तो वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते आज वो इतनी तरक्की पे ना होते। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि हम कहां खड़े हैं। हम बेटे डेवलपमेंट स्टेजेस में हैं, और डेवलपमेंट स्टेजेस ऐसी ही होती है। हमने ये देखना है कि हम कहां कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कहां अपना हक अदा कर सकते हैं, हम कहां अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो खवातीन को मैं इसलिए कहती हूं, तमाम मेडिकल प्रोफेशन में, बल्कि अब इंजीनियरिंग में भी खवातीन है, मतलब अब तो गवर्नमेंट ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि मेल्स के लिए सीटें रिजर्व की जाए। आपको शायद याद, आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स को होगा, कि एक वक्त था खवातीन के लिए रिजर्व सीटें होती थी, क्योंकि सारी सीटों पे मेल को कर लेते थे। और अब ट्विस्ट इतना चेंज हो चुका है कि खवातीन के लिए हमें उसमें उनको, इसलिए जब आप जाके बाहर कंपीट करेंगी कहीं भी किसी भी फोरम पर, तो आपको जेंडर बाइस होके नहीं देखना चाहिए कि हम औरत हैं तो हमें कोई ऐसा एडवांटेज मिल जाए कि हम इसको कर लें, ऐसा नहीं होगा। आपने एक सवाल, मैंने क्यों अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ गई, मैं नहीं चाहती, मैं ये सोच चुकी हूं कि एक हकीम और जिसकी डिग्रीज सो फैक्टेड पता नहीं कहां से आई हुई है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में जो पैरेलल इकोनॉमी है वो रिश्वत की शक्ल में और दूसरी शक्लों में एग्जिस्ट कर रही है, इसी तरह डिग्रीज भी पैरेलल एग्जिस्ट कर रही है। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर हमारा फार्मासिस्ट इस तरफ भी आए तो एटलीस्ट कम से कम होम्योपैथिक और जो दूसरी अल्टरनेटिव मेडिसिन के तरीकेकार हैं उसमें क्वालिफाइड बंदा तो मिल जाएगा। वो जो छोटे छोटे इदारों में बने हुए हुक्मा हैं और वो जो अपना एक्सपेरिमेंट इंसान से शुरू कर रहे हैं, कम से कम उनसे तो वो इंडस्ट्री बच जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि जितनी आपकी तादाद इस वक्त मार्केट में आ रही है वो उसके लिए एक और होराइजन ऑफ कंपटीशन शुरू हो जाए। आ जाए। और आज इसी फोरम से मैं आपसे कहूं कि मैं, ये मेरा बेसिक, वरना आपको मैं बताऊं, मैं एलोपैथिक के अलावा किसी सिस्टम को इतना ज्यादा बिलीव नहीं करती। आई एम सॉरी टू से डॉक्टर बिस्मिल, क्योंकि मेरी अपनी कुछ इंट्रिंसिक चीज है। लेकिन एक चीज मैंने पढ़ी लिटरेचर में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, उन्होंने ये कहा, डॉक्टर साहब ये आपके लिए भी, उन्होंने तीन लाइनों में उस ऑथर ने डिफेंसिव सिस्टम को डिस्क्राइब कर दिया कि वाई द अल्टरनेटिव मेडिसिन। वो ये कहता है कि एलोपैथिक डिप्रेस करती है आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी तमाम, मसलन आप एनसेड भी लेते हैं ना, तो आपको पता है वो आपके इंफ्लेमेटरी मार्कर्स के साथ प्ले करती है, विच इज रिवर्सिबल डेफिनेटली, बट देयर आर सो मेनी ड्रग्स इन एलोपैथिक। वो कहते हैं हमें ये नहीं करना, हमें इंसान के इम्यून सिस्टम को इनहांस करना है, बूस्ट करना है। अब पूरी दुनिया बेटे ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रही है, अब वो इंसान को इनहांस करने की तरफ जा रही है।
कि इंसान की ये जो ऑर्गेनिक की तरफ हम जा रहे हैं ये क्या है, क्यों ऑर्गेनिक की तरफ, कि पेस्टिसाइड्स के ऊपर रिटेनिंग ज्यादा है, हम इस तरह जाते हैं साफ सुथरी किचन गार्डनिंग करके या अपने लिए कोई साफ सुथरी चीजें बनाकर घर में अपने बच्चों को खिलाएं ताकि उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप हो। इम्यून सिस्टम आपका क्या है, विच इज अ नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम आपका, आपका इम्यून सिस्टम, हत्ता के आपकी तमाम एलोपैथिक दवाइयां आपके सीबीसी काउंट्स पे फर्क डालती हैं। दिस इज द ओनली जस्टिफिकेशन फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन विच इज ऑथेंटिक। बाकी मैंने जितने अल्टरनेटिव मेडिसिन के लोगों को सुना उन्होंने कभी अपने इस पॉइंट को रेज नहीं किया, और दिस इज द ओनली थिंग विच शुड बी रेज्ड। एलोपैथिक का कोई मुकाबला नहीं है, हमें किसी एम्बिगिटी में नहीं रहना चाहिए। एलोपैथिक के ऊपर लोगों ने बहुत अरसा काम किया, तहकीक की, अनफॉर्चुनेटली इंसानी तारीख में मुसलमानों ने जब अल्टरनेटिव मेडिसिन सो कॉल्ड हकीम और बड़े बड़े लोग जो काम किया उनको लिखा, तो बगदाद से लेकर इंडिया तक वो सारी किताबें या जला दी गई या यूरोप उनको उठा के ले गया। आज जो हमारे बुजुर्गों के, मुसलमानों से मुराद मैं कह रही हूं, उनके जो नुस्खे हैं वो यूरोप की लाइब्रेरीज में आपको मिल जाएंगे, इंडो पाक में नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है, ये वो गैप क्रिएट हुआ, और चुनाचे हमने कभी इल्म को एक जगह से, अगेन प्रायोरिटी की बात है, इधर से इधर ट्रांसफर करने के लिए उनसे कभी निगोशिएशन ही नहीं की। हमने उनसे असला मांगा, हमने उनसे एड मांगी, हमने उनसे कभी ये नहीं कहा कि जो आपकी लाइब्रेरीज में हमारी चीजें मौजूद हैं उसकी कॉपी हमें करने दें। तो इसलिए बेटे ये बात नहीं अल्टरनेटिव मेडिसिन पे काम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा मुसलमानों ने काम किया है, बहुत ज्यादा, और बड़े हाई लेवल पे किया है। तीसरी बात मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, दुनिया की सारी इजादात बेसिक ग्राउंड उस वक्त में हुई है जब एसी वाली लेबोरेटरीज नहीं थी, जब वेल इक्विप्ड लैब्स नहीं थी, जब लोग खड़े होकर अपने हाथों से काम करते। आप पूरी 18वीं और 19वीं सदी उठाकर देख लें, जितनी इजादात हैं कन्वेक्स कन्विकेव मिरर से लेकर रेडियोग्राफी तक, वो मदाम क्यूरी का जिसमें बड़ा नाम आता है उनका, उनके हस्बैंड का, कभी आपने सोचा उनको कौन सी लैब्स मिली थी? तसव्वुर कर सकते हैं आप उन लैब्स का? फ्लेमिंग के पास क्या था? पैट्री डिशेस थी जिसके ऊपर ग्रोथ हो गई थी। रिसर्च इंसान का पैशन होता है, पढ़ना इंसान का पैशन होता है, काम करना, कुछ कुछ करना इंसान का जज्बा होता है। उसके लिए एयर कंडीशन, लाइटें, ट्यूबें, लैबें, इनकी इतनी है इंपॉर्टेंस, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी उस इंसान की इंपॉर्टेंस है, अब उसके जज्बे की इंपॉर्टेंस है। आपको एक बात मैं बता दूं कि अब पूरी दुनिया ह्यूमन ग्रोथ पे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम कर रही है। आपका बेहतरीन उस्ताद का मार्कर सिर्फ एक है कि वो आपको कितना ह्यूमनली डेवलप कर देता है, इसके अलावा कोई मार्कर नहीं है। आप कहां थे और कहां पहुंच गए? ब्रांडेड कपड़ों से नहीं, दिमागी तौर पे आप कहां पहुंच गए? जब इंसान का दिमाग ऊंचा होता है तो फिर वो उस उस्ताद को क्रेडिट जाता है। मीर हसन कौन थे? इकबाल के उस्ताद। कहां पैदा हुए? सियालकोट में। इकबाल ने कौन सी कैम्ब्रिज से तालीम हासिल की शुरू में? कौन से ऑक्सफोर्ड स्कूल से पढ़े? तो बाद में जाके उन्होंने
पीएचडी की जब उनके पास वो लेवल आ गया। लेकिन इकबाल को बनाने वाला मीर हसन था। आपके उस्ताद गसिफ और मैं अपनी फैकल्टी को बार बार ये कहती हूँ, और बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फैकल्टी दी है, कि आप इनकी मेंटल ग्रोथ पे डेवलप करें इनको। हम रिटार्डेड कॉम के तौर पे ना मरें, इनको मेंटली इनको खुद सोचने दें इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इनको खुद डिसाइड करने दें। और मैं अपनी फैकल्टी से भी यही तवक्को करती हूँ, खुद डिसाइड करें क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है उनके लिए। आखिर में एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग नुक्ता मरों ने नुक्ता सुझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। एंड दिस आई गोस टू गॉड। आप खास कभी ओहदों से चीजों से नहीं बनता, खास इंसान यहां से बनता है, इस जगह से। अगर ऐसा नहीं होता तो गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेडिटेशन के लिए 40 साल की उम्र तक ना बुलाया जाता। वो पैदाइशी नबी थे, अल्लाह ने उनको पैदाइशी तौर पर नबूवत से सरफराज फरमाया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैदाइशी रिसालत थी। और नबूवत वो होती है जो अल्लाह देता है, रिसालत वो होती है जो इंसान इंसानों को देता है। दैट इज पैगाम मैसेज। इसलिए हर चीज के लिए एक वक्त की जरूरत होती है, मेडिटेशन की जरूरत होती है, जद्दोजहद। आखिर में मैंने जो ऑब्जर्व किया, आपने आपके पास कल को बहुत अच्छी चीजें आएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, आपकी नियत के ऊपर। ये नियत वो फिनोमेना है जिसको कोई साइंस डिस्क्राइब नहीं करती, ये याद रखिएगा। ये नियत इंसान का बहुत सॉलिड फिनोमेना है। अपनी नियत को हमेशा साफ सीधा सुथरा रखिएगा, अल्लाह की जात आपकी मदद करेगी, अल्लाह की जात आपकी हेल्प करेगी। और जहां रहे वहां मुकम्मल कोशिश करें कि वहीं हूं, 100% नहीं, खाना बना रही है ना किचन में तो 100% किचन में हो, चाय बना रही है 100% चाय पे हो। ये मैंने एक इतना बड़ा गैप देखा है। नमाज पढ़े तो कोशिश जरूर करें कि 100% नमाज में हो, पढ़ने बैठी है तो 100% पढ़ाई की तरफ हो, इंडस्ट्री में जॉब कर रही है 100% कोशिश कर ले। 100 का लफ्ज मैं कह रही हूँ, कोशिश कर ले। 100 में से इंसान 80 पे होता है, कभी 90 पे होता है, कभी 50 पे होता है, कभी 60 पे होता है, कोशिश जरूर कर। दिस इज नियत जो आपको पे करेगी। और कभी कभी इंसान की पेमेंट्स जो होती है ना, वो बड़ी मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह करीम करता है। वो पेमेंट्स पैसे, BMW गाड़ी, बड़े घर, 15 मरले के घर की सूरत में नहीं होती, वो किसी और सूरत में हो जाती है, और होती जरूर है। इस पे यकीन कीजिए और अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, और अपने असातिज़ा का पीछा ना छोड़ा करें। ये जो खवातीन में दो ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने देखी, एक तो वो जज्बाती होती हैं बाय नेचर, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। मैं आपको आज एक बात बताऊँ, मेरे पास मेल फैकल्टी भी है, मेरे पास फीमेल फैकल्टी भी है, ऐसा ही है। मैंने अपने 22-23 साल करियर में दोनों तरह के से मेरा पाला पड़ा, कोई फ़र्क नहीं है IQ लेवल में। क्यों ना, मर्द के IQ लेवल में कोई फ़र्क है ना औरत के, एबिलिटीज में भी फ़र्क नहीं है, दोनों पैरेलल चल रही। जितने नालायक वो है उतने नालायक वो है, जितने लाइक वो है उतने लाइक वो है। ये मैं आपको सच बता रही हूँ, ऑन ऑर्थ बता रही हूँ। अपने अंदर से इस डेफिशिएंसी को निकाल दें। व्हाट मैटर्स कि आप अपना पूरा फोकस कहाँ कर रही हैं और वो अपना पूरा फोकस कहाँ कर रहे हैं।
खवातीन के साथ सिर्फ दो फोकस के प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल होती हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होती हैं, जल्दी डिसीजन ले लेती हैं, जल्दी नाराज़ हो जाती हैं, जल्दी मान जाती हैं, जल्दी खुश हो जाती हैं। ये ज़रूर रखें ये आपकी नेचर है, लेकिन अपनी क्लैरिटी अपने प्रोफेशन के साथ इंटैक्ट रखें। प्रोफेशनल बिहेवियर की कमी मैंने मेल्स में भी उतनी ही देखी है, फीमेल्स में भी उतनी देखी है। मैं आपको इसीलिए बात बता रही हूँ। दूसरी बात, डंडे को मैंने रूल करते हुए मेल्स में भी उतना ही देखा, फीमेल्स में भी उतना ही देखा। जहां सख्ती है इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में, उधर उधर मतलब है। इस जगह मैंने गुजरते हुए एक जुमला से मैं अख्तितान करती हूँ। वो कहता है कि जी जब पेट भर खाली होता है तो वी कैन नॉट वर्क, पेट खाली होता है। अच्छा, ये पूरी पाकिस्तानी गांव का मसला है, पेट खाली होता है तो वी कैन नॉट वर्क, पेट भरा होता है वी डोंट नीड टू वर्क। अच्छा, जॉब में स्ट्रेस है, वी कैन नॉट वर्क ड्यू टू स्ट्रेस। जॉब या प्रोफेशन या जो भी चीज है वो रिलैक्स है तो वी विल डू इट समटाइम एल्स। सो देयर इज, वी आर मूविंग इन बिटवीन दीज टू फैक्टर्स, लेकिन अपने रूल्स रेगुलेशंस आप खुद बनाएं और अपने लिए खुद काम करें और अल्टरनेटिव इंडस्ट्री को बिल्कुल हौला ना लें, क्योंकि इंडिया की 38% से ज़्यादा एक्सपोर्ट अल्टरनेटिव मेडिसिन की है। बांग्लादेश की भी ऑलमोस्ट इतनी एक्सपोर्ट है, श्रीलंका बेचारा हमारे जैसा है, और किसी से मैं आपको कंपेयर नहीं कर सकती। चाइना से कैसे करूं? चाइना से नहीं कर सकती, इसलिए मैंने डॉक्टर बिस्मिल साहब से दरख्वास्त की थी कि वो आए, और मेरा इसमें बड़ा क्लियर विजन है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन में फार्मासिस्ट को जॉब्स देनी चाहिए, क्योंकि वो अदर देन दैट इवन होम्योपैथिक के जो कॉलेजेस हम क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, डॉक्टर इस बात को जानते हैं। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में इतना अच्छा प्ले करें कि आपकी जॉब ओरिएंटेशन और उनकी प्लेसमेंट आपके लिए ओपन रहे सारा वक्त, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खुल जा रही है। अच्छा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मैंने बहुत कोशिश की, हमारे मेरे नेबर में ही रहते हैं, कि ड्रैप कुछ हमारे साथ कोलैबोरेशन कर ले। वो कहते हैं इंडस्ट्री इतनी मसरूफ है, क्यों? क्योंकि पैसे ही बड़ा कमा रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है। लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब उन्हें एकेडेमिया के साथ बैठना पड़ेगा ऑन सर्टेन क्वालिटी इश्यूज। इसलिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सिलेबस आपका रिवाइज होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली आप लोगों के लिए बेहतर सिलेबस और एक बेहतर चीज इंशाल्लाह कुछ सालों में आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगेन मैं आपको एक बात बड़ी सीधी और स्क्रेच कर दें, जितना आप इनपुट करेंगे अपने प्रोफेशन के लिए उतना आप अलग से नवाजे जाएंगे। दिस इज द एंड ऑफ द डे। थैंक यू डॉक्टर।